नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज़। आज हम बात करते हैं नेटवर्किंग केबल के बारे में। नेटवर्किंग केबल मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती है और इसे आप खुद भी बना सकते हैं। अब किस नंबर की पिन पर कौन सी वायर होनी चाहिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस पिन का क्या काम है और किस नंबर पर कौन सी वायर होनी चाहिए। कंप्यूटर के एथरनेट पोर्ट पर 1 और 2 नंबर की पिन डाटा ट्रांसमिट करती है, यानी कि 1 और 2 नंबर की पिन डाटा सेंड करने का काम करती है और 3 और 6 नंबर की पिन डाटा रिसीव करने का काम करती है। अब अगर आपको एक पीसी को दूसरे पीसी से नेटवर्किंग केबल की मदद से कनेक्ट करना हो, तो PC1 की 1 और 2 पिन को, जो कि डाटा सेंड करती है, PC2 की 3 और 6 नंबर की पिन, जो डाटा रिसीव करती है, से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह PC1 की 3 और 6 नंबर की पिन, जो डाटा रिसीव करती है, को PC2 की सेंडर पिन 1 और 2 से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से बनी केबल को क्रॉस केबल कहते हैं, जो कि 10 Mbps वाले एथरनेट और 100 Mbps वाले फास्ट एथरनेट पोर्ट पर काम करती है। 1 Gbps वाले गीगाविट एथरनेट के लिए 4 और 5 नंबर की पिन को 7 और 8 नंबर की पिन से कनेक्ट करेंगे और 7 और 8 नंबर की पिन को 4 और 5 नंबर की पिन से कनेक्ट करेंगे। यह क्रॉस केबल गीगाबिट एथरनेट पर भी काम करेगी। क्रॉस केबल हमेशा सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करती है, जैसे PC to PC, Hub to Hub, Switch to Switch या Switch to Hub। स्विच में एथरनेट पोर्ट की पिन का काम अपोजिट होता है। इसकी 1 और 2 नंबर की पिन डाटा रिसीव करती है और 3 और 6 नंबर की पिन डाटा सेंड करती है। इसलिए अगर PC to Switch या Switch to Router, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, तो स्ट्रेट केबल का यूज होता है, यानी केबल की दोनों साइड की वायर्स को सेम कलर में अरेंज किया जाएगा। मार्केट में बनी बनाई पैच केबल भी मिलती है, जिसमें 2 पेयर होते हैं। यह केबल एथरनेट और फास्ट एथरनेट, यानी 10/100 Mbps वाले पोर्ट पर ही काम करती है। गीगाबिट एथरनेट के लिए 4 पेयर वाली स्ट्रेट केबल चाहिए होती है। तो उम्मीद है दोस्तों, नेटवर्किंग केबल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।